अधिनियम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जताया भाजपा महिला मोर्चा ने आभार। नमस्कार, आप देख रहे हैं UK 24x7 न्यूज। भाजपा महिला मोर्चा की ओर से एक होटल के सभागार में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया गया और साथ ही करवा चौथ कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में महिलाएं मौजूद रही। कार्यक्रम में पहुंची भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश कोषाध्यक्ष वंदना ठाकुर, जिला अध्यक्ष अर्चना बागड़ी और महिला मोर्चा अध्यक्ष गीता कुमाई ने कार्यक्रम का दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर भाजपा महिला मोर्चा मसूरी मंडल अध्यक्ष गीता कुमाई ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को राजनीति में 33% आरक्षण देकर महिलाओं का सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भाजपा हमेशा मातृशक्ति को बढ़ावा देती रही है और आज महिलाएं पुरुषों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। वहीं मुख्य अतिथि प्रदेश कोषाध्यक्ष महिला मोर्चा वंदना ठाकुर ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया और कहा कि उनके नेतृत्व में आज देश और प्रदेश विकास के पद पर अग्रसर है। देखिए, आज नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला सम्मेलन था। मैं धन्यवाद करती हूँ भारतीय जनता पार्टी का, जो अगर कोई कानून भी ला रहे हैं तो नारी को इतना मान सम्मान देते हैं, नारी को शक्ति स्वरूप मानते हैं, नारी को वंदनीय मानते हैं और उस अधिनियम का नाम भी उन्होंने नारी शक्ति वंदन रखा है, जिसके अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा और वो राजनीति के क्षेत्र में उन्हें आगे बढ़ने के और अवसर प्रदान किए जाएंगे। इसी के साथ साथ, क्योंकि करवा चौथ का भी पावन पर्व आने वाला है, तो हम सब ने मिलकर करवा चौथ को भी मनाया है, तो हमारे जो महानगर के हमारी जो जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष अर्चना बागड़ी जी, हमारे जो प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं, जो आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता रही हैं वंदना ठाकुर जी, मसूरी मंडल प्रभारी प्रियंका गुसाई जी और बहुत ही ऊर्जावान हमारे महानगर की महामंत्री सुषमा कुकरेती जी, इन सब ने सभी मातृशक्ति का मार्गदर्शन किया है कि किस प्रकार वो आगे बढ़ सकती हैं। तो ऐसे सम्मेलन समय समय पर होते रहने चाहिए और मैं भारतीय जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूँ जो इतनी सुंदर रूपरेखा बनाती है, इतने सुंदर कार्यक्रम हमें करने का अवसर प्रदान करती है और हम उन कार्यक्रमों को कर पाते हैं इस मातृशक्ति की वजह से। तो मैं मसूरी की जनता का आभार व्यक्त करती हूँ कि मसूरी की जनता इतने शॉर्ट नोटिस पर भी एक आह्वान करने पर वो पहुँच जाते हैं और कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाते हैं। धन्यवाद और सभी को मीडिया के माध्यम से करवा चौथ के पावन पर्व की, दीपावली, दशहरा, सभी आने वाले जितने भी त्यौहार हैं उनकी बधाई देती हूँ। ईश्वर उनको सुख समृद्धि प्रदान करे, ऐसी मैं उनकी मंगल कामना करती हूँ। ये जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम कार्यक्रम है, इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिलाओं के लिए 33% जो आरक्षण दिया है, महिलाओं को सम्मान दिया है, उसका हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज हम मसूरी मंडल में आए हुए हैं, ये कार्यक्रम हो रहा है यहाँ पर और इसमें सभी बहनों ने उनको बहुत सारी ढेर सारी बधाई दी हैं, शुभकामनाएं दी हैं और इस 33% आरक्षण मिलने पर महिलाएं बहुत आगे बढ़ेंगी, राज्यसभा में जाएंगी और काफ़ी अच्छे स्तर तक वह महिलाएं यहाँ पर जा सकती हैं। और इसी को देखते हुए जो सम्मान प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं को दिया है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद हम यहाँ पर समस्त मातृशक्ति देती हैं उनको और बारंबार धन्यवाद करती हैं अपने माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए कि उन्होंने जो ये 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर। आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज, खबर वही जो है सच सही।